सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ईशान, आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली, जिसमें आपको बताने वाला कि आप कैसे क्लास 10 साइंस में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2021 में। मैंने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करा है और मैंने CBSE लेटेस्ट सैम्पल पेपर एनालाइज करा है, और ये एनालाइज मैं आपको बताऊँ कि आपको किस चीज़ में से कितनी तैयारी करनी चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम 2021 में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं, देखो CBSE का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक दे रखा है आपकी बार। इतना अप टू डेट नहीं है जितना प्रीवियस ईयर में आता था या पहले CBSE लेटेस्ट सैंपल पेपर आते थे, बट कहीं ना कहीं छोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि आपकी बार इस तरीके से पेपर्स आएगा। देखो, मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता दूँ पहले कि अगर आपने सारे पेपर्स या सारे सैंपल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपने अच्छे कर ले, तो आप इनफैक्ट इतना मान के चलो कि आपके 40 से 50 नंबर स्कोर्ड हो चुके हैं पक्का, विदाउट एनी NCERT अगर आपने करी है तो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जी NCERT की कितनी वैल्यू होगी आपके बार 2021 में अगर हम पेपर देंगे, या फिर NCERT के जो बैक क्वेश्चन रहते हैं उनमें कितना आ सकता है आपकी बात। देखो, मैं आपको बताऊं, NCERT को जितना आप डीप में पढ़ेंगे साइंस की, NCERT को जैसे केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शन होती है, कितने सारे रिएक्शन केमिस्ट्री में, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन है केमिस्ट्री में, तो वो जो केमिस्ट्री की रिएक्शन है अगर आप उन्हें A to Z करेंगे, क्योंकि मैंने अभी जो पेपर्स देखा है लेटेस्ट सैंपल पेपर जो है उसमें से NCERT की ही रिएक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेटेस्ट सैंपल पेपर ये आपका बोर्ड में आएगा, बट कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी 90% बन जाती है ये कि हाँ आपकी बार आपकी जो रिएक्शन होंगी दे आर मच फ्रॉम NCERT। तो NCERT की रिएक्शन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, जितना ज़्यादा लिख लिख के देखें भैया 10-10 बार 20-20 बार, जितना ज़्यादा कॉपी पर पेन चलाएंगे अपने हाथों से लिखें, उतनी ज़्यादा केमिस्ट्री की रिएक्शन आपकी सक्सेसफुल हो पाएगी। देखो, आपके बाद छोटा मोटा चेंज ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि 1 mark के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, प्लस केस स्टडी बेस्ड और असर्शन बेस्ड। देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो डाली है कि आप कैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन सोल्व कराया, वहाँ पर अच्छे से समझाया कि आप कैसे एग्जाम में अच्छे से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, पूरा आपको पैराग्राफ दे रखा है, उसमें सारे मल्टीपल चॉइस वगैरह उस पैराग्राफ में पढ़कर आपको देखना है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि आपके 30 से 40 नंबर यहां पर आराम से आ सकते हैं अगर आपको एक चैप्टर के बारे में हल्की नॉलेज हो। देखो, आपकी बार जो रटेगा रट्टू तो होता है उसका काम आपकी बार खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसमें दिमाग होगा जो चीज़ों को समझ कर देगा वही केस स्टडी बेस्ड और सारे मल्टीपल चॉइस एकदम अच्छे से कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5 mark question, 3 mark question। देखो, 5 mark question, 3 mark question ऐसे हैं जो सारे NCERT के हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, आपको NCERT की प्रैक्टिस करके चलना है। अगर इफ़ यू हैव थोड़ा छोटा मोटा टाइम आपको मिला तो एक बार आप सैम्पल पेपर की तरफ गो थ्रू कर सकते हैं, ये वाला सैम्पल पेपर देख सकते हैं, कोई भी सैम्पल पेपर, ओला सैम्पल पेपर, आरगुड, एवरग्रीन, अरिहंत, और आप जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर की तैयारी करें उतना ज़्यादा है। एजुकार्ट भी काफ़ी अच्छा सैम्पल पेपर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ उसमें लेटेस्ट सैम्पल पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपको दे रखते हैं। देखो, अब की बार क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपको मतलब मार्किंग स्कीम भी अच्छी है और उसमें बीच में चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आपको जरूर देख कर चलनी चाहिए। और मैं स्क्रीन पर भी आपको पेपर दिखा दूंगा, साथ ही साथ आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको CBSE लेटेस्ट पेपर डाउनलोड करना है तो cbse.cbseacademy.nic.in पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और 90 लाना कोई छोटी बात भी नहीं है, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है सारा। जितना आप प्रैक्टिस NCERT को जितना बिल्कुल चूज कर फेंक देंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेटेस्ट सैम्पल पेपर करें, 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर करें, NCERT के जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाए उतने ज़्यादा लगाएं, वो चैप्टर पहले करें जो ईजी है, आसान है। जैसे मैं आपको बताऊँ, कुछ चैप्टर हैं जैसे ओजोन लेयर, जिसमें ओजोन लेयर है, और मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज वाले, इस टाइप के चैप्टर आप जरूर पहले करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो छोटे चैप्टर पहले करिए जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, और थोड़ा सा बायो की तरफ अगर आपको ज़्यादा मतलब सरदर्द लग रहा है बायो को लेकर कि यार बायो कैसे होगी, ये नहीं है, तो बायो की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक दो चैप्टर अगर आपको छोड़ने पड़ जाए तो आप छोड़ सकते हैं, बट उस एक दो चैप्टर के चक्कर में पूरा आप अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री बर्बाद ना करें। तो जितना फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से करेंगे, रिएक्शन करेंगे, NCERT करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब मामला रखा हुआ है, प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई है, सारे NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उस प्लेलिस्ट में डाले हैं, और जितना मुझे लगा जितना मैंने टीचर से बात करी सारी चीज़ उसमें है, तो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए।
और काफी ज्यादा अच्छी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें, कमेंट में जरूर बताएं कैसे लगे आपको वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय।